हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल फिशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस टू, इमेज एट इंफिनिटी। इससे पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस वन, जो कि है इमेज एट फाइनाइट डिस्टेंस, नॉर्मल एडजस्टमेंट केस कह लो से आप या डिस्टिंग्विशन कह लो। जो आज हम केस करने जा रहे हैं, ये दो नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, या तीन नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर आपके क्या आ सकता है टू नंबर का डायग्राम मेकिंग। इसमें डेरिवेशन नहीं है इस टॉपिक में आपके क्लास के लिए। अब आप क्या करोगे कि आपने क्या करना है, फिर से एक नोटबुक लेना है, नोटबुक को आपने रोटेट करना है हॉरिजॉन्टली, नोटबुक के बिल्कुल सेंटर से अपना एक लाइन ड्रॉ करो, इसे कह दो आप प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने क्या कर लेना है, नोटबुक में तीन चार या पांच लाइन का गैप छोड़ दो, और उसके बाद आप अपना पहला ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करो C1। ध्यान क्या रखना है आपने, C1 से एक लाइन पास करवानी है। जो लाइन आप C1 से पास करवाओगे और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये मोर देन 15 डिग्री ना हो, 15 डिग्री से कम में ही रखना। अब आपने क्या कर लिया, अपना लाइन पास कराने के बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा AB, AB ऑब्जेक्ट रखने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे बेंड करवाओ और पास करवा दो कहां पे, जहां पे ये दोनों मीट कर गए, जहां पे दोनों लाइन मीट कर गए, इस पॉइंट पे हम लोग का इमेज बन गया किसका, ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का इमेज A'B'। अब आपने क्या करना है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर कहां ड्रॉ करोगे, तो पहले इन दोनों लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ज्यादा भी नहीं करना है, इमेज से ज्यादा दूर नहीं जाए। अब आपने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। अब जो ये वाला इमेज है, जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है, वो आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये C2 के लिए। अब C2 और B' से एक लाइन पास करवा लो, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास हुआ। अब आपने क्या करना है, इसी पॉइंट से पैरेलल में एक लाइन यहां ड्रॉ होगी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। तीसरा भी इसमें क्या करोगे आप, तीसरे जो लाइन ड्रॉ करोगे इसको इस सेकंड पॉइंट से पास करवाओगे। ये तीनों लाइनें एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप देखो तीनों रेस पैरेलल हो गए, इसका मतलब इमेज कहां पे बन रहा होगा, इंफिनिटी पे, और इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो आईपीस का ऑब्जेक्ट है वो कहां पे होना चाहिए, फोकस पे उसके। तो आपका जो फोकस ऑफ आईपीस होगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि आप अगर नोटिस करो तो आपका इमेज इंफिनिटी में बन रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे लाई करना चाहिए। अब ये हमें पता लग गया कि फोकस का पोजीशन पे होना चाहिए, आईपीस के फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसका, और इसके लिए क्या हो गया, इमेज। अब लेंसेज ड्रॉ करो। इसके बाद लेंसेज ड्रॉ करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम, तो इस वजह से उसका साइज छोटा दिखा रहे हैं। आईपीस का फोकल लेंथ बढ़ा, तो इस वजह से उसका साइज बड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप एपर्चर की बात करोगे तो दोनों का एपर्चर लगभग सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका आईपीस का। आपने क्या कर लिया, अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। यहां पे आपने क्या कर लिया, अपना आईपीस ड्रॉ कर लिया। आईपीस ड्रॉ करते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि आपके ये दोनों पॉइंट लेंस के इनसाइड लाई करना चाहिए, लेंस से बाहर नहीं होना चाहिए। डायग्राम में दूसरी कमी क्या है हमारे, कि भैया हमने एरोज नहीं दिखाए। अगर एरोज नहीं दिखाए तो फिर हमारे टीचर मार्क्स काट लेंगे। आपने एरो शो करना है, आपने एरो शो कर दिया, देखो ये एरोज आ गए आपके। अब जल्दीबाजी में मिस्टेक कहां होती है, वो मिस्टेक ये होती है कि आप फोकस ऑफ आईपीस यहां दिखाते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया आपका फोकस ऑफ आईपीस इस बार इधर लाई नहीं कर सकता, वो कहां लाई करेगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे नहीं रखा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा नहीं। हमारा इमेज जो है वो इंफिनिटी पे है, इमेज एट इंफिनिटी, ये ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने क्या कर लिया अपना, कि हम नोटेशन में आप देखो अपने अपना लेबलिंग करना है, तो लेबलिंग करने के लिए आपके पास क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप इसे लिखोगे UO। ये वाला आपका इमेज डिस्टेंस है, तो इसे लिखोगे आप VO ऑब्जेक्टिव का। जहां पे लाइन कट कर रहा है ये हो गया आपका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव FO। अब आपने C1 से इसका डिस्टेंस का नाम दे दिया FO, ठीक है। इस बार जो आपका VE आएगा, इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, वो आएगा आपका इंफिनिटी, और
यू ई जो होगा वो एफ ई हो गया, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। क्लियर। अब आपने इसमें एक और चीज क्या करनी है, आपने अपना एक आई ड्रॉ कर लेना है यहां पे, ये आपका आई ड्रॉ हो गया। डायग्राम हमारा यहां पे पूरा कंप्लीट हो गया टू मार्कर के लिए, डायग्राम कंप्लीट। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं अब उसकी बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के लिए आप सिंपली क्या करोगे, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा इसके लिए वो चलेगा वी ओ अपॉन में मॉड यू ओ इनटू में डी बाय डिस्टिंग विजन अपॉन में फोकस ऑफ आई पीस, ये इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, इसी में अगर आपको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पूछ लिया तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के लिए आप क्या जाओगे, एल इज इक्वल टू लेंथ के लिए हम लोगों ने पहले भी कहा था लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप मतलब दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस देखो ये है, सी वन से सी टू के बीच का डिस्टेंस देखो क्या आपके पास वी ओ प्लस में एफ ई, तो आप यहां पर लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप को लिखोगे तो वी ओ प्लस में एफ ई। होप आप लोगों को पूरा डायग्राम क्लियर हुआ होगा। मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल सभी हम कवर करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो में और कुछ कमी या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बताएं। जो भी वीडियो आपको लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक जिसका आपको बनवाना है उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वही वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आप पूछ रहे हैं। थैंक यू।